गुड आफ्टरनून दोस्तों, दिस इज अगेन इन कंटिन्यूएशन ऑफ हैंड होल्डिंग सीरीज फॉर 9 and 9C फॉर 18-19। इन दिस कैप्सूल वी आर डिस्कसिंग रिकंसिलिएशन ऑफ GST इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर GSTR 3B एंड एज पर GSTR 2A। सो आई एम क्रिएटिंग टू सिचुएशन फॉर यू where you may have difference and you want to reconcile the same. The first one, book credit 100, correctly avail in GSTR 3B 100, but there is difference in GSTR 2A. So difference could be it is 80 or 120. Had it been 100, then it's all reconciled. Book credit 100, 3B 100, 2A 100, no problem. प्रॉब्लम ओनली अगर 2A में 80 रुपीज है या 120 रुपीज है। मेरी बुक की क्रेडिट 3B की क्रेडिट करेक्ट है बट 2A से मैच नहीं हो रही। अगर 2A में 80 रुपीज आ रहा है तो रीजन क्या, रीजन हो सकता है कि 2A 80 रुपीज शो कर रहा है। मे बी मेरे पास B2B की इनवॉइस है, मैंने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के चारों कंडीशन सेटिस्फाई की हैं। एज ए रिसीपियंट मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, आई हैव रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज, आई हैव पेड द टैक्सेस टू माय सप्लायर एंड बीइंग रिसीपियंट आई एम फाइलिंग माय रिटर्न। नाउ चारों कंडीशन एज ए रिसीपियंट मैंने सेटिस्फाई की है, तो मैंने तो 100 रुपीज की क्रेडिट 3B में ले ली। 2A 80 रुपीज दिखा रहा है, तो मे बी पॉसिबल रीजन डिफरेंस क्यों आ रहा है। पहला रीजन, जो सप्लायर था जिसने मुझे B2B इनवॉइस की थी उसने हो सकता है B2C में दिखा दी हो, 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही। सेकंड कि उसने जो मुझे इनवॉइस जनरेट की अपना GSTR 1 और 3B दोनों ना भरा हो, 1 नहीं भरा तो 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ और 3B नहीं भरा तो टैक्सेस का पेमेंट नहीं हुआ। थर्ड सिचुएशन, उसने 1 तो भर दिया, मेरे सप्लायर ने 1 तो भर दिया तो 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा बट 3B का पेमेंट नहीं किया, क्योंकि 2A के अंदर ये आइडेंटिफाई करना कि वेदर सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया है या नहीं किया है इज ए क्रिटिकल टास्क। आप GST नंबर डाल के ही सिस्टम में चेक कर सकते हैं। इस सिचुएशन में एक और पार्ट ये है कि हो सकता है कि उसने 3B भर दिया हो, टैक्स का पेमेंट कर दिया हो पर GSTR 1 नहीं भरा हो, 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा, यानी मेरी बुक की क्रेडिट 100, GSTR 3B में भी मैंने 100 क्लेम किया हुआ है, 2A 80 रुपीज है। आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर आपने सारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया है इवन दो 2A में 80 है, क्योंकि जब आप टेबल 8A में जाएंगे तो वो 80 से ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, टेबल 8B आपका 6B से 100 रुपीज पिक करेगा, यानी वो 20 रुपए का डिफरेंस दिखा देगा टेबल 8D के अंदर, यानी वो आपने एक्सेस अवेल किया है। यानी आपके पास रीजन होने चाहिए कि आपने एक्सेस क्यों अवेल किया है, और अगर अवेल किया है तो आपने लीगली फॉर अवेलिंग क्रेडिट कंडीशन सेटिस्फाई की है। तो मेरा कंक्लूजन यही निकला, 2A आपको एक इंडिकेटिव फिगर देता है बट 2A इज नॉट डिटर्मिनेटिव। अगर आपको क्रेडिट मिलनी है एज पर 16 सबसेक्शन 2, आप अवेल कीजिए। लेट डेफिशिएंसी मेमो कम्स, 20 रुपए के लिए आपके पास डेफिशिएंसी मेमो आएगा, आप रिप्लाई कीजिएगा। रिकंसिलिएशन आप बना के रखिए अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टेबल 12 ऑफ GSTR 9C में आप जब जाएंगे तो बुक क्रेडिट 100, GST क्रेडिट जो आपका टेबल 6B के थ्रू ड्राइव हो रहा है टेबल 7J में 100, कोई मिसमैच नहीं होगा। बट 2A से जो मिसमैच आएगा वो टेबल 8A और टेबल 8D से डिराइव होगा आपका।
एक सिचुएशन ये हुई। दूसरी सिचुएशन कि मान लीजिए आपकी बुक की क्रेडिट 100, जीएसटीआर 3B में भी आपने 100 रुपीज की क्रेडिट ली, लेकिन 2A में 120 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो 8A जो टेबल 8A ऑफ जीएसटीआर 9 है वो 120 दिखाएगा। 6B जो क्रेडिट आपने 100 ली है वो टेबल 8B में 100 आएगी, और 20 रुपीज जो डिफरेंशियल है वो टेबल 8D में जाके लैप्स हो जाएगी। आपके पास एक ऑप्शन था, कई बार ये होता है ना कि 120 2A में आ रहा है, 18-19 की क्रेडिट 18-19 में अवेल की, टेबल 6 से डिटरमाइन होती है, और 18-19 की क्रेडिट अगर आपने अप्रैल 19 टू सितंबर 19 में अवेल की तो टेबल 8C प्लस टेबल 13 ऑफ GSTR 9 ऑफ 18-19 के अंदर आएगा। तो हो सकता है इस 20 रुपए की क्रेडिट जो एक्सेस थी, पर आपकी बुक क्रेडिट चुकी 100 है और आपने 3B भी 100 का अवेल किया है, तो फिर आपका मैच है, यानी ये 20 रुपीज गोइंग टू बी लैप्स्ड। लैप्स मींस आपके 2A में आया बट नॉट अवेलेबल और नॉट एलिजिबल, आपके टेबल 8E में इफेक्ट चला जाएगा, यानी दैट इज गोइंग टू बी ineligible क्रेडिट, वैसे मैच कर जाएगा। बट ऐसा सिचुएशन हो सकती है ना कि आपने कम अवेल किया हो 3B के अंदर, 20 रुपए आपको अवेल करने थे, आपने अवेल नहीं किया, तो आपके पास पीरियड था अप्रैल 19 टू सितंबर 19 में अवेल करने का। अगर आप अवेल करते तो टेबल 8C और टेबल 13 अब GSTR 9 में जाता, अगर आपने अवेल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये लैप्स की बात करता है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम सभी के सामने है कि 18-19 की क्रेडिट अगर मैंने शॉर्ट अवेल की, मान लीजिए सिचुएशन मैं आपके लिए क्रिएट करता हूं कि 120 की बुक क्रेडिट थी, 3B में 100 डाला आपने, टेबल 6A में 100 आया, और 120 आपका 2A से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, 100 रुपीज टेबल 8B में 6B के जरिए आ रहा है, 20 रुपए की क्रेडिट या तो आप अप्रैल 19 टू सितंबर 19 में ले लेते, जो आपने नहीं लिया तो वो टेबल 8D में जाके लैप्स कर देता है, राइट? लेकिन अगर मैं कहूं GSTR 9 भरते वक्त आप इस क्रेडिट को अगर लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सेकंड, क्या ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जिसमें टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट फॉर एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 18-19 या 19-20 डिफाइंड है? अगर हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को देखें और 18-19 के लिए लास्ट डेट टू अवेल क्रेडिट अराइव करने की कोशिश करें, इट इज अर्लीस्ट ऑफ टू डेट, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर सेप्टेम्बर अंडर सेक्शन 39 फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 जो 20th अक्टूबर 2019 होगा, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच इज 30th सेप्टेम्बर 2020। यानी अगर 16 सबसेक्शन 4 की रीडिंग को पढ़ें तो 20 अक्टूबर 2019 लास्ट डेट, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग September GSTR 3B under section 39 following the end of financial year 18-19. तो जिस example को हम कर रहे थे, books की credit 120, आपने 3B में 100 रुपए लिए, तो table 6 से auto populate 100 से हुआ, 6B में भी आपने 100 डाले, आपके लिए एक period था April 19 to September 19 जिसमें आप 20 रुपए का differential credit avail कर सकते थे, table 8C and table 13 आपने नहीं अवेल किया। अब GSTR 9 फाइनल कर रहे हैं, क्या ये क्रेडिट मुझे मिलेगी? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरा आंसर देखिए, डिस्प्यूटेड पॉइंट है, सब्जेक्ट टू लिटिगेशन है। मैंने इस पे अपना एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें, मैंने कई बार डिस्कस किया है, इवन फॉर 18-19 हम अगर लिटिगेशन लेने को तैयार हैं तो मुझे वो क्रेडिट मिल जाएगी।
तो एक ऑप्शन है कि आपने क्रेडिट अगर सितंबर 19 यानी 20 अक्टूबर 2019 तक नहीं लिया तो वो लैप्स कर जाएगी। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। अगर आप लेना चाहते हैं और यू आर रेडी फॉर टेकिंग द लिटिगेशन हेड ऑन, जिसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में रिट भी फाइल हो गई है, नोटिस इज बिंग इशूड टू द रेवेन्यू एज वेल, सो वे फॉरवर्ड क्या होगा, इसके लिए मैंने अपने नेक कई वीडियो बनाए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए, इस पे वीडियो है। लेकिन अगर मैं मान लूँ मुझे क्रेडिट मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं टेबल 6B में जाके 20 रुपये को ऐड कर दूंगा, ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा 100 से, 6B में 120 रुपये कर दिए मैंने, 100 + 20 मिसमैच डिफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया। जब टेबल 8A में जाऊंगा 120, टेबल 8B अब 120 दिखाएगा, यानी कुछ लैप्सिंग का प्रोविजन नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। बट टेबल 6 में डिफरेंस आएगा 100 ऑटो पॉपुलेटेड, 6B 120, और ये 20 रुपीज आप करंट मंथ के GST या 3B जो आप अगस्त का भरेंगे उसमें ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। क्यों मैंने लेने के लिए कहा, मैंने कहा मैं इसे सब्जेक्ट टू लिटिगेशन मानता हूं, और मैंने अपने जस्टिफिकेशन को एक सेपरेट वीडियो में डाला हुआ है, आप चाहें उस वीडियो को देख लें, उस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड मैं कह रहा हूं ये मेरा व्यू है, इन माई हम्बल ओपिनियन वी कैन क्लेम क्रेडिट दो इट इज सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। अब जब आपने GSTR 9 को करेक्ट कर लिया, तो 9C में बुक क्रेडिट 120 की आ रही होगी, GSTR 9 जो टेबल 6B से ड्राइव हो रहा है वो 120 आपने दिखा दिया, यानी वो मैच कर गया, क्रेडिट आपको पूरी की पूरी मिल गई, और वो आपके 2A से भी मैच करेगी। दिस इज माई व्यू फॉर रिकनसाइलिंग योर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट, बुक क्रेडिट वर्सेस 3B वर्सेस 2A। एक सिचुएशन और लेते हैं कि हमने मान लीजिए एक्सेस क्रेडिट ले ली जो मुझे नहीं मिलनी थी, सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूं, 100 रुपये की बुक क्रेडिट, 3B में आपने 120 रुपये ले लिए, और 2A में 100 रुपये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, 20 रुपये आपने ज्यादा क्रेडिट ले ली, और उसको आपको रिवर्स करना था। रिवर्स या आप 18-19 में कर सकते थे, या अप्रैल 19 टू सितंबर 19 टेबल 8C में नेगेटिव फिगर डालते और टेबल 12 में रिवर्सल का फिगर डालते, लेकिन आपने अभी तक इस ट्रांजेक्शन को करेक्ट नहीं किया। अब आज जब आप GSTR 9 फाइनल कर रहे हैं तो ये 20 रुपीज जो एक्सेस क्रेडिट है, क्योंकि बुक क्रेडिट 100, 2A में भी 100, 3B में 120 था, आपने एक्सेस क्रेडिट ले ली थी, अब आप क्या करेंगे, क्रेडिट आपको मिलेगी, आपने करेक्ट तो किया नहीं ना 18-19 में ना अप्रैल 19 टू सितंबर 19 में। तो GSTR 9 फाइनल करते वक्त क्या आप इसे करेक्ट करेंगे, आंसर इज यस, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जो एक्सेस 20 रुपये की क्रेडिट ली है, आप इस पर्टिकुलर क्रेडिट को टेबल 7H में जाके रिवर्सल मारेंगे 7H, और टेबल 9 में जाके टैक्स पेबल क्रिएट करेंगे, टैक्स पेबल जिसको आप DRC 03 के जरिए पेमेंट करेंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट। अगर आपने उस क्रेडिट को जो एक्सेस लिया था अगर यूटिलाइज कर लिया है तो आपको अलोंग विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया है, इन माई हम्बल ओपिनियन इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं आएगी। इस वीडियो में हमने कैप्चर किया रिकंसिलिएशन ऑफ GST इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर GSTR 3B, एज पर GSTR 2A। थंब रूल यही रहेगा, जो आपकी क्रेडिट है एलिजिबल क्रेडिट है इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट 3B वर्सेस 2A, मैंने आपने आर्गुमेंट भी दिए हैं, और प्लस आप उस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट डिस्कस किया है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट अगर लिटिगेशन हमें फाइट करना है तो टाइम लिमिट कैन गो बियॉन्ड 20th अक्टूबर 2019
and that can be 30th September 2020. Thanks for watching this capsule. Look, stay tuned for further queries, for helping, hand-holding GSTR 9 and 9C for 18-19. Thank you very much.